नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत हमारी YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। इसमें हम आपको पाँच से लेकर छः पॉइंट आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको सारी चीज़ जानकारी होनी बिल्कुल चाहिए, जिससे आपको वहाँ पर हर चीज़ का ध्यान देना, क्योंकि आपकी मेहनत और आपका लक जरूर साथ देना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन कब साथ देगा, जब आप उसको उसके बारे में आप जानोगे तभी आपका लक भी साथ देता है, क्योंकि उस वहाँ पर समय की बहुत पाबंदी रहती है। जैसे घर पे होता है पढ़ने के कुछ और तरीके होते हैं, वहाँ पेपर देने के कुछ और तरीके होते हैं, तो बहुत सारा इसमें होता है। तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप यार वीडियो को अंत तक देखिए। अंत तक देखने के बाद कुछ समझ में नहीं आता है तो जो सब चीज़ ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आपका पूरा हेल्प किया जाएगा। बस आपसे थोड़ा सा माफ़ी मांगते हैं कि क्योंकि जो पिछली मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों का जो एडमिट कार्ड के बारे में, उसमें मैंने बताया कि एडमिट कार्ड कैसे निकाला, लोगों ने उसे कमेंट किया कि मेरा नहीं निकला है, पर उन्होंने मुझे उम्मीद है कि वो लोग मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन था नंबर वो मुझे दे दिए होंगे, मैं सबका निकाल के दे दिया था, इसलिए मैं लोगों के एडमिट कार्ड निकाल के चक्कर में आप लोगों के लिए मैं कल वीडियो भी नहीं ला पाया था, और मैं एडमिट कार्ड निकालते निकालते आप लोगों का रिप्लाई भी नहीं कर पाया, तो सॉरी आप सभी लोगों से। और एक चीज़ आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को प्यार और सहयोग से मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना प्यार और सहयोग दिया, और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपको हेल्प मिले और आपको सक्सेस हो जाए। तो ये मेरी बात थी, तो बहुत खुश आप लोगों से कि आप लोगों ने ऐसा कुछ किया। तो ये चीज़ हम 5-6 पॉइंट ये थे कि इसमें आपको ये प्रश्न पहले उठता है कि एडमिट कार्ड निकल गया तो आता है कि आपको वहाँ पर क्या क्या ले जाना है, ये तो आपकी हो गई एडमिट कार्ड के बारे में क्या क्या ले जाना है एडमिट कार्ड के साथ, और दूसरा नंबर आता है कि सिलेबस क्या होनी चाहिए, सिलेबस उसमें क्या है, तीसरा नंबर आता है इसमें सिलेबस के बाद में आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ठीक है। फिर आपका एक क्वेश्चन आता है क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, क्या उसके बाद आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसका आंसर की कब आएगी। फिर आता है कि आपको इसमें पेन कौन से ले जाने हैं, तो ये सारे जितने भी इसे रिलेटेड हैं कि क्या क्या इसमें ले जानी चाहिए, क्या होना है, आगे प्रोसेस क्या होंगे, तो सारी चीज़ें इसमें हम लेकर आए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है यार अंत तक देखिएगा। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मैं पहला पॉइंट लेता हूँ कि आपको इसमें क्या क्या ले जाना है। तो इंडक्शन तो बहुत बड़ा है तो उसे बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसको मैं बता देता हूँ। एक आपको ले जाना है एडमिट कार्ड, ठीक है, जो कि एडमिट कार्ड निकला वो ले जाना है, और आपको एक आईडी प्रूफ ले जानी, चाहे वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, इन चारों में से आपको एक ले जाना है, ओरिजिनल ले जाना है, ठीक है। आप ओरिजिनल ले लीजिएगा और आपको कुछ नहीं ले जाना है, और आपको एक चीज़ और भी ले लीजिएगा, एक फ़ोटो आप ले लीजिए, हो सकता है वो मांग लेंगे, और आधार कार्ड जो आप ले जा रहे हो जो आईडी प्रूफ उसका भी एक फ़ोटो ले लीजिएगा, क्योंकि इन दो अलावा और कुछ मांगेगा नहीं, लेकिन वहाँ पर मांग सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक फ़ोटो, एक आधार कार्ड या पैन कार्ड का फोटो कॉपी या जीरोक्स ले लीजिएगा, ठीक है, ये वो बात हो गई। और उसमें बहुत सारे इंडिकेशन दिए रहते हैं कि आपको नो डिवाइस ये सब यूज नहीं करना, आपको पहले ही पता होगा तो आपको इंजर्ड या दिमाग मतलब इंजर्ड होते हैं, डैमेज कुछ होता है तो आपको भर्ती बोर्ड उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी, और आप प्रिपेयर होकर आइए, 1-2 दिन आपको रुकना पड़ेगा। तो ये बात हो गई, आपको इसके अलावा कुछ नहीं ले जाना, तो आपको समझ में आ गया हो कि एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ ले जाना उसकी फोटो कॉपी के साथ और एक फोटो, और आपकी जो पेपर हैं उसमें आपको पेन कौन से ले जाने हैं, पेन आपको एक ब्लू एंड ब्लैक ले जाना है, दो पेन ले जानी है ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है, वो बाल पेन ले जाना है, उस इंक वाली नहीं ले जानी है। अब इसमें आपकी आती है निगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल नहीं, आपकी निगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है, और पेपर आपका जो होगा वो ऑफलाइन होगा, वो MRC पर होगा, आपका जहाँ सेंडर होंगे बोलेंगे, किसको कहता है कि मेरा सेंटर कहाँ पर होगा, ये स्कूल में होगा कि ये खुद करवाएंगे, वो लोग जहाँ सेंटर बनाए हैं वहीं पर आपका पेपर होगा, वो स्कूल में करवा सकते हैं, अपना भी करवा सकते हैं, वो खुद अपनी ड्यूटी कर सकते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड का, तो कहाँ पर करवाएंगे, तो आपका सेंटर दिया है वहाँ पर आपका पेपर होगा। अब सिलेबस आता है, कि सिलेबस में आपको क्या क्या सावधानी वहाँ भी आपको बरतनी है, सिलेबस में आपके 5 पॉइंट आते हैं, पहला नंबर आपका आता है हिंदी, दूसरा नंबर आता है इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश से 15-15 क्वेश्चन आएंगे 15-15 नंबर के, यानी कि हर एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे के रहेंगे। फिर जनरल अवेयरनेस से आएंगे 20 नंबर आएंगे, आपके रीजनिंग से आते हैं 20 नंबर के, और मैथमेटिक्स से आते हैं आपके 30 नंबर। जो 3 पार्ट लास्ट में हैं, ये 3 पार्ट आपके 2 लैंग्वेज में होने वाली है, यानी कि एक हिंदी में होगा, एक इंग्लिश में, यानी कि 2 तरह से होंगे, एक तरफ इंग्लिश लिखा रहेगा, एक तरफ हिंदी लिखा रहेगा।
तो आपको जिनमें करना हो आप उसमें कर सकते हैं, बस वो इंग्लिश हिंदी में लिखा रहता है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है वो आपका एक ही लैंग्वेज में रहेगा। तो आपके 100 क्वेश्चन 2 घंटे में होने वाले हैं। अब आता है आपका आंसर की, आंसर की आपकी 25 मार्च को आ जाएगी, क्योंकि आपका इंडक्शन नीचे दिया गया है, तो आपका आंसर 25 को आ जाएगा। जैसे ही आता है आपको वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आए यानी वीडियो पड़े तो आपको मिल जाए। तो जहाँ तक मैंने जो भी आपके लिए टॉपिक लेकर आए थे एक करके अच्छे तरीके से बता दिए, तो आपका बिल्कुल सारा डाउट्स क्लियर हो गया। यदि आपको कोई भी और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इस बार आपका हम कमेंट की रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो यार तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।